जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 4.2 करने जा रहे हैं। कौन सा चैप्टर है हमारा? रैखिक समीकरण एक चर वाला या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, ये सारी चीजें मैं तुम्हें बता चुका हूँ। चर अचर पद मैं तुम्हें बता चुका हूँ, जिसको नहीं पता फिर समझ लो भैया। चर पद वो पद होते हैं जिनका मान बदलता रहे, जैसे क्या है, जैसे एक्स है, वाई है, जेड है, ये सारी चीजें हैं, टी है, कुछ भी ले लो, ए बी सी। और चर अचर पद क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट, है ना, इसको बोलते हैं वेरिएबल। क्या वेरिएबल? कॉन्स्टेंट हमारे कौन से होते हैं? जो जैसे एक है, दो है, तीन है, चार है, इसकी वैल्यू बदले ना। तो बेटा अब हम हमारे को क्या दे रखा है यहाँ पर, क्वेश्चन क्या करने हैं हमें 4.2 में? तो सबसे पहले बेटा इसके एग्जांपल्स करते हैं। क्या करते हैं? एग्जांपल्स करते हैं। देखो पहला एग्जांपल क्या है, इसके अंदर ये बोल रखा है, मान लो एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, एक रैखिक समीकरण दे रखा है, 2x प्लस में 3 बराबर में वाई। ये समीकरण ये कहता है कि अगर मैं इसको हल करूं, इसको सॉल्व करूं, तो मेरा आंसर क्या आएगा? 12 आएगा। इसका मतलब x और y की जगह हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा रखा जाएगा जिससे मेरा आंसर हमेशा 12 ही आएगा। इसके अलावा अगर मेरा कुछ और आंसर आता है तो जो भी आपने रखा था x और y की जगह वो ठीक नहीं होगा। ठीक है, कितना आसान हो गया। अब बेटा कुछ ऐसे नंबर सोचते हैं जो कि इनकी जगह रखने पे हमारा यही नंबर आए। बेटा x की जगह पे अगर मैं रख दूं 2, 3, कितना? 3। और y की जगह पे अगर मैं रख दूं 2, तो चेक करो कि 12 आता है या नहीं आता। चेक करो बेटा। तो x की जगह पे 3 रख दो, तो 2 गुना x है तो 2 गुना 3 प्लस 3 गुना y है तो y की जगह पे 2, तो 3 गुना 2 कितना हो गया? 2 3 6, 3 दूनी 6 और 6 प्लस 6 12 और बराबर भी कितना था? 12। तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज क्या थी? ठीक थी। इस इक्वेशन के लिए दोनों वैल्यूज क्या थी? करेक्ट थी। क्या थी? करेक्ट थी। और बेटा x और y को हमेशा कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, x, y। बात पता है ना? तो हम ये 3 और 2 को कैसे लिखेंगे? अगर ऐसे लिखेंगे 3, 2, अगर यहाँ 3, 2 लिखा हुआ मिल जाता तो हम खुद समझ जाते कि ये x है और ये y है। तो अगली बार मैं ऐसे ही लिखूंगा, तुम समझ जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मतलब इसी क्वेश्चन के अंदर कुछ और वैल्यूज भी रख सकते हैं क्या? कुछ और वैल्यूज भी रख सकते हैं। हाँ बेटा रख सकते हैं। देखो अगर मैं एक मान ये रख दूं, क्या रख दूं? 0 और 4 रख दूं, तो भी मेरा 12 आंसर आना चाहिए। चेक करो, ऐसी कई वैल्यूज हो सकती हैं। तो जैसे एक हल तो ये हो गया, ऐसी इसमें भी हल निकल जाएगा, आगे भी हल निकल जाएगा। बेटा इसके तो हल काफ़ी निकल सकते हैं, कई तरीके हैं इसको 12 लाने के। तो देखो 0 और 4 रखने पे, 0 4 का मतलब क्या है कि x बराबर 0 और y बराबर 4। अभी हमारी इक्वेशन में रख दो, इक्वेशन क्या है? 2x + 3y = 12 है। तो x की जगह पर 0 तो मतलब 2 x = 2 0 और 3 y = 3 कितना है? 4। 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया, 3 को 4 से किया तो 3 4 12, 12 + 0 = 12। तो ये भी देखो बिल्कुल ठीक हो गया मेरा आंसर, ठीक हो गया ना। कुछ और नंबर लेके देखते हैं, कुछ और नंबर लेने पे भी ये काम हो सकता है, नहीं हो सकता? ठीक है बेटा, एक और वैल्यू लेते हैं। दूसरी वैल्यू मैंने ले ली 6 और 0। क्या ले ली? 6 और 0 ले ली, मतलब x हो गया 6 और y हो गया 0। इक्वेशन क्या है? 2x + 3y = 12। तो बेटा x की जगह पे 6 हो गया तो 2 × 6 + 3 y की जगह पे 0 हो गया तो 3 × y = 0। तो 2 6 12, 3 + 0 = 0। तो मेरा आंसर आ गया बेटा 12। देखो ये भी मेरा आंसर ठीक था, लेकिन कई नंबर ऐसे होंगे जो नहीं निकलेंगे। तो आपको दिमाग लगाना है बेटा, क्या करना है? माइंड लगाना है, दिमाग लगाना है। ठीक है, और उसके हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, क्या देखें? एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। और ऐसी बेटा एग्जाम्पल नंबर 3 है आपकी नई बुक में, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोल रहा है? इक्वेशन दे रखी है x + 2y = 6 दे रखी है। ठीक है, अब इसके अंदर चेक करो बेटा किस किस नंबर पे सॉल्व हो सकता है। तो अगर मैं ले लूं 2 और 2, तो क्या है मेरा काम हो जाएगा या नहीं होगा? चेक करो, 2 और 2 का मतलब क्या हुआ? x2 और y = 2 पुट करो। तो बेटा x की जगह पे 2 तो 2 प्लस 2y मतलब 2 × y, y की जगह पे 2। ठीक, तो क्या हुआ? 2 × 2, 2 + 2 × 2 मतलब 4 = 6। मतलब देखो आंसर क्या आया, एकदम सही आया। क्या आया? एकदम सही आया। बात समझ में आई? क्या कुछ और नंबर ले सकते हैं जिससे मेरा 6 आ जाए? हाँ ले सकते हैं। एक नंबर, अगला नंबर सोचो अपने दिमाग में क्या ले बेटा, ये भी तो ले सकते हैं। देखो
नमस्ते बेटा, जीरो और थ्री। देखो बेटा ये भी तो नंबर ले सकते हैं, जीरो और थ्री। अगर ये नंबर ले लें तब भी मेरा बेटा आंसर सिक्स ही आएगा। देखो जीरो थ्री का मतलब एक्स जीरो और वाई थ्री। इक्वेशन क्या है, टू एक्स वो सॉरी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल्स टू सिक्स, ये इक्वेशन है। एक्स की जगह पे जीरो तो जीरो, प्लस टू मल्टीप्लाई वाई, वाई की जगह पे थ्री, तो चेक करो जीरो प्लस दो तिया छः, जीरो प्लस छः मतलब छः। देखो सही आ गया ना आंसर। क्या कुछ और भी हो सकता है, चेक करो कुछ और। बिल्कुल हो सकता है बेटा, ये भी तो हो सकता है, जीरो कोमा सिक्स वो सही नहीं, जीरो नहीं क्या ले सकते यार, थोड़ा दिमाग लगाओ। इसकी जगह हम ले सकते हैं सिक्स कोमा जीरो, सिक्स कोमा जीरो ले लो तब भी मेरा आ जाएगा ट्वेल्व। देखो सिक्स कोमा जीरो मतलब एक्स हो गया सिक्स और वाई हो गया जीरो। रखो इक्वेशन में एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल्स टू सिक्स, एक्स एक्स की जगह पे सिक्स तो सिक्स, प्लस टू मल्टीप्लाई वाई, वाई की जगह पे जीरो तो जीरो, तो सिक्स प्लस टू मल्टीप्लाई जीरो जीरो, सिक्स प्लस जीरो सिक्स, आ गया ना आंसर। तो बेटा ऐसे हम इसके कितने ही आंसर निकाल सकते हैं ना, तो ऐसे इसके कौन कौन से आंसर निकल गए बेटा। सबसे पहले मैंने एक आंसर निकाला टू और टू पे, तो ये इससे भी बेटा सही वैल्यू आ रही थी। फिर अगला मैंने किस पे निकाला था, जीरो और थ्री पे, इस पे भी सही आंसर आ रहा था। अगला मैंने निकाला सिक्स और जीरो पे, यहाँ भी मेरा सही आंसर आ रहा था। और फोर और वन पे निकालूंगा तब भी मेरा यही आंसर आएगा। एक बार चेक करें, फोर वन का मतलब एक्स फोर और वाई वन, चेक करो जरा। क्वेश्चन क्या है, एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल्स टू सिक्स, एक्स की जगह पे फोर फोर, प्लस टू टू की और वाई मल्टीप्लाई वाई, वाई की जगह पे वन तो वन, क्या हुआ फोर प्लस टू इंटू वन मतलब टू इज इक्वल्स टू सिक्स। देखो बेटा आंसर क्या हो गया, मैच हो गया। ठीक है, तो कितने आंसर निकल गए, एक दो तीन चार, इस एक सिंगल इक्वेशन के एक समीकरण के कितने उत्तर निकल के आए, चार उत्तर निकल गए। ठीक है बेटा, ओके।